ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो इनिशिएटिव नेविल तुली जी का है, इस आइकॉनिक जगह को, लिबर्टी सिनेमा को एक कल्चरल हब बनाने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बम्बई को ऐसे कल्चरल हब्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो लिबर्टी सिनेमा फिर से खुल रहा है वो इस फिल्म के साथ खुल रहा है। नहीं, अभी देखने जा रहा हूँ। मैं सुना है कि बहुत ही अच्छी थ्रिलर बनी है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी की थ्रिलर बनी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। I want to ask, what is the specific purpose of coming to the event as such? The purpose of coming to the event? My name is Rajan Khosa. I'm a film director, and I'm very excited about the opening of the Cinefan Club, and also the whole concept of 9 clubs you know, in one area. So really excited. Also excited to see the film Baby. So I want to ask, what is the concept of the Cinefan Club? Is for only the elite kind of people, or general people can be a part of this club as such? No, I think it encompasses all kinds of cinema. That's why you're seeing a film like Baby. And what is the concept of Oshinama, the art culture studio I'm talking about? Oshinama, sorry. What is the concept of that? That Neville will be able to answer better. But we are benefiting from it. Talking about the film Baby, it's based on the terrorism, means it showcases the terrorism as such. So how strongly do you feel that terrorism is arising, and how to stop terrorism in our country as such? I think as filmmakers, we can only give messages. And I believe there's a strong message in Baby. So you yourself is a creative director, film director. So in the near future, do you want to make a film on a similar subject? Do you want to make? Yes, I would be very happy to tackle subjects like that. Thanks a lot, sir. हमारे में आपके लिए काफ़ी खास मौका है। बेबी इतनी बड़ी हिट हो गई है, हर लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छी रिव्यूज़ मिले। अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो मुझे पहले ही पता था कि ये फिल्म, मतलब नीरज पांडे की बनाई हुई फिल्म है, तो था कि हाँ ये फिल्म हिट होनी ही होनी है। लेकिन इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी, इतने अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, इसका मतलब ये अंदाज़ा नहीं था। और अक्षय सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक तरह से ड्रीम कम ट्रू था एज अ न्यू कमर मेरे लिए। और मतलब वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एक इंस्पिरेशन है वो, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और वो हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते, तो पूरे सेट पर आई थिंक मैं हंसती रही उनके साथ, बहुत अच्छा था। लेकिन कब आपको मालूम चला कि आपको इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया है, और आपने क्या कुछ थॉट प्रोसेस कुछ सोचा, या आपने तुरंत से हामी भर दी कि हाँ मुझे ये फिल्म करना है? मैंने कुछ नहीं सोचा। जब मुझे फिल्म मिली, मतलब एक तो नीरज पांडे की फिल्म है जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म मिली, और साथ ही साथ अक्षय कुमार के ऑपोजिट है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा जब ये फिल्म मिली। ये फिल्म मुझे एक्चुअली एयरटेल ऐड के द्वारा मिली, जो वो ऐड काफ़ी पसंद आया था नीरज सर को, और वो ऐड मिल गया। जब वो ऐड पसंद आया तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, और ये फिल्म मिल गई, और मैंने झट से हाँ कर दिया। हाँ, मैंने कुछ इधर ना सोचा, ना दाएँ सोचा ना बाएँ सोचा, बस हाँ कर दिया और फिल्म मिल गई मुझे। बात अक्षय कुमार की नहीं है, फिल्म में अनुपम खेर जैसे लीजेंड है, के.के. मेनन की बेहतरीन एक्टर है, बिल्कुल इन लोगों के इसमें सहयोग था। मतलब मेरा इनके साथ ज़्यादा काम नहीं है, मेरा सिर्फ अक्षय सर के साथ काम है। लेकिन अभी जब मैं प्रमोशन में उनसे मिल रही, अनुपम सर आई थिंक ही इज़ द बेस्ट वंडरफुल पर्सन, मतलब कमाल के इंसान है, और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो प्यार भरा मैसेज भेज देते हैं। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया फिल्म में कि आपका काम बहुत पसंद आया, तो उसमें मेरा दिन बन गया। मैं मतलब सफलता मिल गई, मतलब मुझे बॉम्बे में आके ऐसा लगा मुझे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि नीरज पांडे का जो फिल्म बनाने का तरीका है वो काफ़ी सेंसेबल होता है और काफ़ी हार्ड हिटिंग होता है कि व्यूअर्स को स्ट्राइक करता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये है कि वो रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं जो इंसान कनेक्ट कर जाता है। वो ऐसे ये नहीं कि एक डिशू मारा तो कहीं उड़ के जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत रियलिस्टिक है जो लोगों को पसंद आता है, तो तभी उनकी पिक्चरें भी चलती हैं, क्रिटिकली एक्लेम भी होती हैं, और साथ साथ कमर्शियली हिट भी होती हैं। तो इसलिए उनके साथ काम करने को सबको मज़ा आता है, और सब बस कोशिश करते हैं कि कोई भी रोल मिल जाए बस कर लें हम नीरज पांडे के साथ काम। फीमेल को स्टार तपसी के बारे में बताइए, उनके साथ काम करने का कैसा रहा? मेरा उनके साथ भी रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने कमाल का काम किया हुआ है। मतलब एक्शन सीक्वेंस ऐसे धड़ 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 मतलब गिरा रही हैं वो सुशांत को, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी द वे शी इज़ परफॉर्म, वेरी नाइस। आखिरी सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी हिट हो गया, अगला क्या प्रोजेक्ट है और कब देखने को मिलेंगे आप फिर से दर्शकों को? अभी देखिए, ये प्रोजेक्ट हिट हो गया है तो अभी काम मिलना चाहिए। अभी वैसे मिल तो रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाद जो करूँ कुछ अलग करूँ इससे। मतलब सेम करूँगी तो शायद कैरेक्टराइज हो जाएगा कि अच्छा यही सेम लड़की सेम रोल करे जा रही है, तो कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी। तो लेट्स सी, अभी कुछ आएगा अच्छा तो मैं आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सर। आपके अक्षय सर की और नीरज सर की डिग्री जो है दोबारा स्पेशल 26 के बाद देखने को मिलेगी, तो बेबी में काम करना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए स्पेशल 26 में? मैं नीरज की फिल्मी जर्नी जो है, फिल्मी सफ़र में उससे ज़्यादा सबसे साथ से जुड़ा हुआ हूँ। 3 फिल्में कर चुका हूँ, वेडनेसडे, स्पेशल 26 और अब बेबी। और हर फिल्म के साथ नीरज पांडे और परिपक्व होते चले गए हैं और मैच्योर होते चले गए हैं। और इस बार उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को टैकल किया है, हालांकि पहली फिल्म में भी किया था, जिससे आज पूरी दुनिया ग्रस्त है। दुनिया के हर देश आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और शिकार हैं, और ये हमें लगता है कि एक रियलिटी है जिसके साथ हमें रहना ही पड़ेगा। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए बेबी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है और गणतंत्र दिवस पर ये रिलीज़ हो रही है, पूरे भारतवासियों को देखना चाहिए। सर, आपने हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया बॉलीवुड में, लेकिन आपको नहीं लगता नीरज पांडे का जो फिल्म मेकिंग बना के तरीका रियलिस्टिक जितना होता है उतना अभी इस दौर में कोई नहीं कर सकता? नीरज पांडे इज अ जीनियस, और मैंने उसके जैसा बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने वाला इंसान और डायरेक्टर राइटर आज तक नहीं देखा है। बहुत अच्छे डायरेक्टर से मैंने काम किया, हर एक की अपनी अपनी खूबी है, मगर इन टॉपिक्स को लेकर वो अजूबा हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। सर, अक्षय को 20 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन वो फिर भी आपको अपना आदर्श या अपना गुरु मानते हैं। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो आप क्या उनको टिप्स देते हैं? हालांकि मुझे लगता है अक्षय कुमार की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अपने पूरे करियर की। यस सर। और किसी भी इंटरनेशनल एक्टर से इसकी तुलना की जा सकती है। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं उनका ग्राफ कमाल का है। जब मैंने अपने शो कुछ भी हो सकता मैं उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की थी, तो कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे हैं, वाकई बहुत सराहनीय हैं और वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ अक्षय नहीं है फिल्म में, के.के. मेनन से बेहतरीन एक्टर हैं, राणा दुग्गुपाती। ये जो हमारी ये फिल्म है बेबी, ये अंसाम्बल कास्ट की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। इसमें इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, राणा, के.के. मेनन, पाकिस्तान के 3 कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे सबके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स सर, थैंक लॉट सर। क्या था मैम, फिल्म बेबी जो है वो टेररिज्म जैसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पे है, तो कितना अपील करेगी व्यूअर्स को और कितना अपील कर रही है, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले उनको? ज़रूर टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट बहुत मुझे लगता है हिट होएगी, क्योंकि एक बहुत करंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है और सब देशों में हो रहा है इनफैक्ट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है। और डेफिनेटली मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। अक्षय कुमार इससे पहले भी हॉलीडे से फिल्म करते हो, वो भी टेररिज्म थी, तो आपने हॉलीडे देखी थी और कंपेयर कर सकते हैं दोनों फिल्म को अगर देखा जाए तो? अनफॉर्चुनेटली मैंने हॉलीडे मिस कर दिए, तो मैं दोनों फिल्मों को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बेबी एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। लेकिन नीरज पांडे जो डायरेक्टर हैं, पहले स्पेशल 26 उससे पहले वेडनेसडे जो काफ़ी रियलिस्टिक होता है, उनके स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वेडनेसडे वाज अ फैबुलस फिल्म एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल बी जस्ट एज हार्ड हिटिंग एंड जस्ट एज रियलिस्टिक। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? हमारी फिल्म कंपनी वेरी फिशी फिल्म 2 फिल्में रिलीज़ करने वाली है सून, वो अंडर प्रोडक्शन है एंड होपफुली विल सी दैट सून। थैंक्स मैम। कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको किसी से कि काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है ऐसा? आप अगर आप देखें तो अच्छा ही मिल रहा है, आप अगर आप बोल रहे हो तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? और 26 जनवरी को का मौका आ रहा है, इस पर फिल्म रिलीज हुई तो एक ट्रिब्यूट मानेंगे हम कैसे? एक ट्रिब्यूट मानेंगे फिल्म आपका ये उन लोगों के ऊपर ट्रिब्यूट है जिनके ऊपर जो अननोन रहते हैं, दे आर अनसंग हीरोज़, ये उनके लिए ट्रिब्यूट। सर, एक थोड़ा सा खबर आई है कि पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज़ नहीं करने दिया है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? ये भाई मुझे भी नहीं पता, ये जैसे पता चलेगा आपको बता दें। लेकिन सर, आपने ये भी कहा टेररिज्म ये पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में नहीं टेररिज्म, लेकिन टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम आता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, अमेरिका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पेरिस में है, पेशावर में है, तो ये कुछ लोग होते हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, कंट्री टेररिज्म नहीं रखता। अच्छा सर, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा, अपने कैरेक्टर के बारे में, फिल्म में अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा। Huh? Why do you think that white power was banning the film? If you like you said, there is no freedom everywhere. Are they guilty or are they saying that they are the answer they can give you? I don't know about it. I have no idea. I don't even know whether it's banned or not. Akshay, लेकिन आपको लगता है कि terrorism जैसे मुद्दे पर बात करते हैं तो इससे और अच्छी तरह से निपटा जा सकता है? हाँ जी, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अगर खुलकर बात की जाए तो इससे और अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है? आपको लगता है इससे और अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है? अगर इस तरह की फिल्में बन रही हैं तो क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? जितना बात किया जाए उतनी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है। और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी देखी इस फिल्म को, अडवाणी साहब ने भी देखी इस फिल्म को, एंड एवरीबडी हैज लव्ड इट एंड इट इज़ अ वेरी इट्स अ मस्ट फिल्म फॉर एवरी इंडियन। और ये सही मौके पे आ रही है फिल्म। सर फिल्म का टाइटल है बेबी, तो इसके पीछे क्या है? कुछ इसके पीछे क्या है? बेबी क्यों नाम रखा आपने? बेबी वो अब आप फिल्म तो दे दो, कुछ पैसे तो खर्च ले। फिल्म का रिस्पांस जिस तरह से मिला है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश है? जी बहुत अच्छी बात है क्योंकि न्यू जॉनर फिल्म and it's nice that a film like this is getting so appreciated. कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? ये मेरा कैरेक्टर का नाम है जयसिंह राठौड़ एंड इट्स स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर है एंड सो आई डू अ लॉट लिटिल टॉकिंग अ लॉट ऑफ एक्शन। कितना अलग रहा अक्षय के साथ काम करना एक्सपीरियंस? इट्स अ वेरी वेरी नाइस जर्नी सो फार। फिल्म को जो है पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे इस बात में? मुझे पता नहीं सर, आई एम नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो हैदराबाद का हूं। एवरीथिंग इज वेरी नाइस। आप अवेयर पाकिस्तान के बारे में अवेयर नहीं करता, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं की गई तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? जब भी आतंकवाद की बात आती है पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर बात सिर्फ बेबी की नहीं, आपकी पहले भी जो फिल्म आई वेडनेसडे आई स्पेशल 26 आई, इतनी हार्ड हिटिंग और रियलिस्टिक फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आता है आपके दिमाग में? कैसे आता है ये तो नहीं बता पाऊंगा, बस यही आता है और कुछ आता नहीं है। इंस्पायर्ड होते हैं कहीं से? आप फिल्म देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ तो होता होगा? बिल्कुल, आप जो चीज़ आपके आसपास चल रही होती है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उससे इंस्पायर्ड होते हैं, सीखते हैं। सो इवन वी ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम जब बेबी। आपने फिल्म देखी है? ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं जिसमें आपने आई कांट कंट्रोल परसेप्शन सो देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू से इन दैट रिगार्ड बट एज रिस्पांसिबल पीपल आई थिंक देयर इज नन ऑफ दैट। इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म। और सर जो बेबी बनने का ख्याल आया तो अक्षय ही एक एक्टर थे जो आपके दिमाग में थे कि कोई सब्स्टिट्यूट भी था कि? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जब स्क्रिप्ट तैयार हुई एक बार तो वी वांटेड हिम टू बी अ पार्ट। और सिर्फ अक्षय नहीं, उसके अलावा राणा दुग्गुबाती हो गए, बहुत लोग हैं। के मैन इतनी बेहतरीन कास्टिंग कैसे की आपने? मतलब कास्टिंग मैं खुद अकेले बैठ के नहीं करता हूँ, देयर इज अ टीम दैट इज बिहाइंड। बट बेसिस कुछ होता होगा ना उस कास्टिंग का? हाँ जी उस बेसिस क्या था? मतलब कास्टिंग का आप चाहते हैं कि सही से सही एक्टर सही से सही रोल में बैठे और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है, हमारी टीम इन्वॉल्व होती है और उसके बाद हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं। और बेबी के बाद कौन सा प्रोजेक्ट में आप? अभी तो यही है, अभी इसके बाद देखते हैं। सॉरी, विश यू गाइज ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्राउड रिपब्लिक। Every goal is 1 lakh for the charities. Done. Are you ready? Ready. Go for it. Here we go. Big cheer, everyone. Come on. Give them support.